सिलेबस आज देखिए आपको मैं सिलेबस बताऊँ, LDC ASI एग्जाम 2022 का सिलेबस, इसके अंदर से आएगा आपका, ऐसे आएगा। देखो मैथ का कुछ सिलेबस है, मैथ में पहला है प्रतिशत, पहले प्रतिशत आएगा, दूसरा है लाभ हानि, तीसरा है बट्टा या डिस्काउंट, चौथा है पाइप टंकी, यानी जैसे एक पाइप मान लो टंकी में चला दिया और उसकी चाल ये है कि इतने मिनट में इतना लीटर पानी देता है वो, तो एक 1,000 लीटर की टंकी को कितनी देर में भरेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। समचतुर्भुज बेलन आयत वृत्त त्रिभुज समतल चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा बेलन का आयतन, इनके सब क्षेत्रफल और बेलन का आयतन के सूत्र आएंगे। क्वेश्चन साझेदारी आएगी, साझेदारी है समय काम समय और कार्य अनुपात समानुपात। अगला है साधारण ब्याज, 10 नंबर है औसत, फिर समय चाल दूरी और MDH W मतलब मैन डे, एम मतलब मैन डे आवर या वर्क, ये क्वेश्चन आएंगे आपके मैथमेटिक्स में। अगला दूसरा है रीजनिंग का, वेन डायग्राम, दूसरा कथन निष्कर्ष, तीसरा है श्रृंखला सीरीज, चौथा पॉइंट है वेन आरेख, पांचवा पॉइंट है पाई चार्ट रेखा चित्र, फिर छठा है कोडिंग डिकोडिंग, सातवा दिशा परीक्षण, फिर है सिर पैरों की संख्या, सिरों की संख्या तथा पैरों की संख्या, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा एक सड़क पर इतने सिरों की संख्या है तथा इतने पैरों की संख्या, जिनमें मान लो 50 बकरी हैं तो बताओ मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, ऐसे पूछ सकता है, पूछता है क्वेश्चन। अगला है रैंकिंग, यानी कि लेफ्ट राइट लंबा छोटा विषम संख्या पद, फिर अगला है 10वां रेखा चित्र, 11वां क्रम, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अगला दो पद ज्ञात कीजिए, अगले संख्या क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आएंगे। रक्त संबंध है, कागज के टुकड़े को काटना, कागज को काटना फिर उसको खोलना, इतनी बार मोड़ करके फिर उसको ऐसे काट करके ऐसे खोलने पर कैसी आकृति होगी, ऐसा हरे को लाल, लाल को पीला तथा इसको ये मतलब इसमें ये कोडिंग डिकोडिंग वाला ये है, इसको क्या कहेंगे, जैसे मान लो भाई हरे को लाल और लाल को पीला तो बताओ टमाटर को रंग कैसा होगा, ऐसा पूछ सकता है। अगला है दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब भी आ सकता है, दर्पण प्रतिबिंब आ सकता है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, हमेशा ऐसे आप सिर को ऐसा आएगा उल्टा, और जल में क्या होगा सिर नीचे पैर ऊपर, ऐसा होता है। ये 16वां है पासा घन पासा, फिर इंग्लिश का पोर्शन देखिए, थर्ड इंग्लिश अनसीन पैसेज, फिर टेंस ईडियम एंड फ्रेज, फिर आएगा आपका वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन आएंगे, वर्ब करेक्ट सेंटेंस यानी कि सेंटेंस को करेक्शन करना यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, यानी कौन सा पार्ट में करेक्शन होना है, ऐसे 4 पार्ट दे देगा, ए में करेक्शन करना है या बी में या सी में या फिर नो इम्प्रूवमेंट, अगर पूरा सेंटेंस सही है तो नो इम्प्रूवमेंट, डी आंसर देना होता है। एडवर्ब 1 वर्ड, अगला है नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फ्रेजल वर्ब फ्रेज होते हैं फ्रेज, एंटोनिम सिनोनिम करेक्ट करेक्ट स्पेलिंग, यानी 4 दे देगा, एक में करेक्ट एक में सही स्पेलिंग रहेगी करेक्ट स्पेलिंग और 3 गलत रहेंगी, वो शॉर्ट नहीं एक, ये मान लो 3 दे देगा आपको सही दे देगा, एक गलत शॉर्ट नहीं आपको गलत कौन सी, ऐसे हो सकता है। फिर PQRS सीक्वेंस जमाना है, एक पहला सेंटेंस दे देगा फिर उसमें 4 देगा उनका क्रम जमाना है और एक लास्ट में छठा दे देगा, तो 1 और 4 5 और 6 ऐसे सेंटेंस देता है वो, फिर इन द ब्लैंक्स ये देगा। चौथा देखिए अगला जीके व CISF एक्ट एंड रूल्स, इसमें दोनों में रहेंगे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ 10 क्वेश्चन समथिंग 50 में से और 40 GK के रहेंगे, मतलब इसमें क्या है, पहला करंट अफेयर्स रहेंगे कुछ क्वेश्चन, धारा लोकसभा गेम्स एंड खेल संविधान निर्वाचन आयोग, फिर 7वां है मुद्रा, 8वां अनुसूची, 10वां राजधानी, 11 है फिर 10 रेखाएँ यानी कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, वाम है चीन, भारत और चीन के बीच में कौन सी मैकमोहन, और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, ऐसे पूछेगा इसमें।
मुख्यालय और रोग संस्थापक, कोई संस्थापक की संस्था का नाम दे देगा, फिर संस्थापक पूछ ले उसको क्या संस्थापक का नाम क्या है, उत्पादक देश, बांध और उद्यान, त्यौहार, पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी थी उसका लेखक पूछ लेगा मान लो, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में दिया हुआ है, जैसे ऐश्वर्यकांत दिया हुआ है कौन से में दिया हुआ है। और अगला है प्रथम दिवस, फिर कब यानी कौन सा कब दिया हुआ है उसमें, पुरस्कार, नदियाँ और फिर आविष्कार, नृत्य, भारत के लोक नृत्य कौन से, जैसे आंध्र प्रदेश का जैसे है कुचिपुड़ी, आंध्र की कुची, आंध्र प्रदेश, ऐसे याद रखना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।